नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार ने पेयजल आपूर्ति योजना का किया शुभारंभ। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पटना से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण पर आरसीपी ने उठाए सवाल। 1 अक्टूबर से बच्चियों को लगाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर का टीका। 36 साल के हुए भारतीय टीम के गेंदबाज ईशांत शर्मा, अब खबरें विस्तार से। 1 अक्टूबर से बच्चियों को लगाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर का टीका। राज्य में 1 अक्टूबर से बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका फ्री में लगाया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ बच्चियों को HPV वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग अंतिम चरण में है। इस टीके के लगाने के बाद बच्चियां जानलेवा कैंसर से निजात पा सकेंगी। बता दें, टीका महंगा होने के कारण अधिकांश लोग अपने बच्चियों का टीका नहीं लगवा पाते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने इसका बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति कैबिनेट से मिल चुकी है। इस पर 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाने के लिए निःशुल्क HPV वैक्सीन देने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पेयजल आपूर्ति योजना का किया शुभारंभ। बिहार के रोहतास दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने डेहरी के एनीकट में करीब 1380 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डैम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। इसके जरिए रोहतास जिला के डेहरी और सासाराम सहित औरंगाबाद शहर को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने बस्तीपुर में सरकार की तरफ से चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के कैंप का भी निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि एनीकट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और डैम से मूल टंकी में पानी सप्लाई होगी, जो घरों तक पहुंचेगी। इस दौरान सीएम के साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पटना से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। बिहार में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन 3 महीने में आम लोगों के लिए चलने लगेगी। कोच की मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है पूरा हो चुका है और अगले 2 महीने ट्रेन की टेस्टिंग चलेगी। उसके बाद यात्रियों के लिए ट्रेन की लॉन्चिंग कर दी जाएगी। ट्रेन 160 की प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 16 कोच वाली ये ट्रेन 8 घंटे में पटना से दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का किराया राजधानी ट्रेन के लगभग बराबर होगा। शुरू में इसे 8 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाया जाएगा। PMCA सहित 5 अस्पतालों को मिली DNB की मान्यता। PMCA सहित जिले के 5 अस्पतालों को DNB की मान्यता मिल गई है। बता दें कि इन अस्पतालों की मान्यता नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की टीम की जांच की रिपोर्ट के आधार पर मिली है। 5 जिलों में 2 साल के कोर्स के लिए 2-2 सीटों की मान्यता है। वहीं PMCH को 3 वर्षीय सुपर स्पेशलिटी कोर्स की मान्यता मिली है। बता दें, PMCH को न्यूरोलॉजी में 3 सीट और नेफ्रोलॉजी में 2 सीट, डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड सुपर स्पेशलिटी के लिए 3 वर्षीय कोर्स के लिए मान्यता मिल गई है। बेगूसराय और भोजपुर जिला अस्पताल को एनेस्थीसिया में 2-2 सीटों की मान्यता मिली है। रोहतास, गोपालगंज और नालंदा को पेडियाट्रिक्स में 2-2 सीटों की मान्यता मिली है। DNB कार्यक्रम के राज्य सलाहकार प्रभाकर सिन्हा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। IPS अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी पर FIR दर्ज। बिहार कैडर के 1998 बैच के IPS अधिकारी अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी कुमुद लोढ़ा के खिलाफ ED ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति, पद का दुरुपयोग और अनैतिक गतिविधि से धन कमाने के आरोप में ED ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। अमित लोढ़ा वर्तमान में राज्य में अभिलेख ब्यूरो में IG के पद पर तैनात है। बता दें कि उनके खिलाफ 7 दिसंबर 2022 को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था। इन आरोपों की जांच ED के स्तर पर चल रही है। इसी को आधार बनाकर ED ने ECIR दर्ज की है। बता दें कि ECIR एक औपचारिक रिपोर्ट होती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड होता है। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का काउंसलिंग जारी।
बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का काउंसलिंग किया जा रहा है। काउंसलिंग के दौरान 500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नो फाउंड में डाल दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सबसे अधिक नो फाउंड में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं जिनके नाम में स्पेलिंग की गलती है। इसमें 317 शिक्षक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों के मूल कागजातों की जाँच चल रही है। बता दें कि जिले में सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग 13 सितम्बर तक चलेगी। वही जो शिक्षक किसी कारण के चलते नो फाउंड में चले गए हैं उनकी काउंसलिंग 13 सितंबर के बाद की जाएगी। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण पर आरसीपी ने उठाए सवाल। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर आरसीपी सिंह ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार सरकार को सीधे तौर पर कहा कि सिर्फ कानून बनाने और नियम लाने से कुछ नहीं होगा। गांव के लोग चिंतित हैं क्योंकि जमीन के बारे में वे लोग जानते नहीं हैं। आगे उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि जमीन का मामला बहुत पेचीदा होता है, इसलिए जितने भी हमारे गाँव हैं सभी गाँव में जितना भी नक्शा है उसको सार्वजनिक स्थल पर एक जगह नहीं बल्कि 4 जगह प्रकाशित किया जाना चाहिए। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने सभी पदाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बिहार में नए डीजीपी आलोक कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद से पुलिस महकमा एक्शन में नजर आ रहा है। बीते दिन डीएसपी विधि व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीएसपी ने पेंडिंग केस के मामलों को लेकर थानेदार और अन्य पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीएसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केस के निष्पादन और आगामी त्योहारों के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में त्योहारों के दौरान घटित घटनाओं और अन्य मामलों की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही वारंट कुर्की और गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देने की बात की। मुजफ्फरपुर में 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। वही ट्रक चालक मौके से फरार है। इस मामले पर जैतपुर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पोखरेरा टोल टैक्स के समीप से ट्रक को जब्त किया गया है, जहां से तकरीबन 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का चालान कटा, ओवर स्पीड में थी उनकी गाड़ी। पटना से हाजीपुर जा रहे चिराग पासवान की गाड़ी ने टोल प्लाजा पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया, जिसके चलते उनका चालान कट गया। जैसे उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची, सिस्टम ने ओवर स्पीड को रिकॉर्ड कर लिया और चिराग पासवान के मोबाइल पर चालान का मैसेज भेजा। अब उन्हें 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें ये मामला 24 अगस्त का बताया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। इसके माध्यम से ई चालान किया जा रहा है। इसमें किसी गाड़ी के जरूरी कागजात ना होने पर अपने आप चालान कट जाएगा। इसके साथ ही अगर गाड़ी ओवर स्पीड में है तो भी ऑटोमेटिक गाड़ी का चालान कट जाएगा और मोबाइल फोन पर मैसेज चला जाएगा। फिजिकल टेस्ट के 2 माह बाद निकलेगा बिहार पुलिस का परिणाम। बिहार पुलिस में 21,391 जवानों की बहाली होनी है। इसकी लिखित परीक्षा 28 अगस्त को ही समाप्त हो गई है। केंद्रीय चयन पर्षद अब लिखित परीक्षा के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए 2 माह के बाद परिणाम निकालेगा। जितने पद हैं उसके 5 गुना यानी करीब 1,07,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला जाएगा। ये सभी फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक जाँच परीक्षा में शामिल होंगे। इन तीनों में प्राप्त नंबर पर मेधा सूची बनेगी। अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय चयन पर्षद ने कहा कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी, ये सिर्फ शारीरिक दक्षता अथवा जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर बोले, विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी मुस्लिम समाज से बनाएगी 40 प्रत्याशी।
बीते दिन पटना के बापू सभागार में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा कि हमारी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज से कम 40 प्रत्याशी बनाएगी। इसके अलावा संगठन में भी पूरी हिस्सेदारी दी जाएगी। संगठन का नेतृत्व करने वाले 25 लोगों में भी 4 से 5 लोग मुस्लिम समुदाय के होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू, राजद और कांग्रेस तीनों मुसलमानों का वोट लेती है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, कहा कि राजद को कौन पूछता है। बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसा बांटते पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसमें वे बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित जंगल टोला, बिंद टोली, टोपरा, बलिया और साधोपुर गांव के बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसा बांटते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हम अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच खड़े हैं और बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने इन बाढ़ पीड़ितों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। सांसद ने पीड़ितों को आश्वासन भी दिया कि इस विपदा में वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। टीएमसी सांसद कृति झा आजाद की पत्नी पूनम आजाद का निधन। टीएमसी सांसद कृति झा आजाद की पत्नी पूनम आजाद का निधन हो गया। सांसद ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है और उन्हें एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरी पत्नी पूनम अब इस दुनिया में नहीं रही। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। पत्नी के निधन के बाद उनके परिवार में शोक का लहर दौड़ गया है। बता दें कि कृति आजाद भाजपा से 3 बार दरभंगा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं। कृति आजाद के पिता भागवत झा आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 36 साल के हुए भारतीय टीम के गेंदबाज ईशांत शर्मा। भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज ईशांत शर्मा आज यानी 2 सितंबर को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईशांत शर्मा ने 2007-08 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के टेस्ट श्रृंखला के दौरान क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई थी। ईशांत शर्मा ने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रेड बॉल क्रिकेट में एक प्रमुख तेज गेंदबाज के रूप में खुद की पहचान बनाई। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी 2013 में टीम इंडिया के साथ ट्रॉफी भी जीती। ईशांत ने 105 मैचों की 111 पारियों में 32.41 की औसत से 311 विकेट लिए हैं। इसके अलावा 80 वनडे मैचों की 78 पारियों में 30.97 की औसत से 115 विकेट लिए हैं। वही T20 मैचों में 8 विकेट झटके हैं। 2020 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है विनोद महात्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, अरुण प्रभाकर, राम बाबू दास, रवि कुमार राम, उमा शंकर, रूपा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, छुट्टियों में आप क्या करना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।